हेलो फ्रेंड्स, आज 30 सितंबर 2024 और आज मीटिंग ऑनलाइन की जा रही है बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 इनकम टैक्स के पेपर। इस बार हमारे कोर्स में जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे वो हटा दिए गए हैं। हमें ITR2 एक्सेल यूटिलिटी पर लेनी चाहिए और उसमें सिर्फ हमें ओल्ड रिजीम नहीं बल्कि हमें दोनों रिजीम में अपने बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी कर सकते हैं और न्यू रिजीम के हिसाब से भी हम एक्सेल यूटिलिटी में कर पा रहे हैं। बुक जो प्रैक्टिकल केस स्टडीज के लिए है वो सिर्फ एक ही बुक है और वो है डॉक्टर वी के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया की। डॉक्टर गिरीश आहूजा और रवि गुप्ता की बुक में प्रैक्टिकल केस स्टडी इस बार नहीं है और डॉक्टर मित्तल जो कि श्रीराम कॉलेज में ही है उनकी बुक इस बार नहीं आई। हमें ITR2 डाउनलोड जो करना है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से करना है incometax.gov.in। मुझे लगता है कि वेबसाइट का वेब एड्रेस ना भी दें तब भी काम चलेगा। हमें अपने स्टूडेंट्स को 234 ABC हम नहीं करवाते हैं इस पेपर के अंदर। मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, जो कि मैंने ऑल दी 14 के स्टडीज लास्ट मंथ ही अपलोड कर दी थी, उनकी कैलकुलेशंस डिफर हो जाती है। सिस्टम जिस दिन आप क्वेश्चंस करते हैं उस दिन की डेट उठाता है, डेट ऑफ फाइलिंग से उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम 234 ABC को वहां से हम वहां इग्नोर कर दें और इसी तरह से 234 FB लेट फीस का प्रोविजन हमें रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी अपने स्टूडेंट्स को समझानी चाहिए और मार्जिन रिलीफ जो कि ओल्ड रिजीम के अंदर अवेलेबल नहीं है स्मॉल टैक्सपेयर के लिए कि 5 लाख से ऊपर इनकम 100 रुपया भी हो गई तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी नॉन सीनियर सिटीजन केस में 12,500 हो जाती है। वहां पर मार्जिन रिलीफ के नाम प्रोविजन नहीं, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर है। न्यू रिजीम में यदि आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर होती है, 7,01,000 होती है तो आपका टैक्स सिर्फ 1,000 रुपीज ही लगता है, ना कि 26,000। हाँ, हेल्थ एजुकेशन सेस जरूर लगेगी। और मेरी आपसे एक सलाह यह भी है कि जब भी प्रैक्टिकल होंगे एग्जाम्स दिसंबर में, उसमें बीइंग कोर पेपर एक्सटर्नल एग्जामिनर की अपॉइंटमेंट होगी, आप इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसको एक बार अपने सिस्टम पर अपने आप एक बार जरूर डेटा फिट करके देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ आपने इंफॉर्मेशन देना छोड़ दिया हो। मैंने केस स्टडी 1 पर न्यू रिजीम के हिसाब से ओल्ड रिजीम के हिसाब से लेक्चर सर्कुलेट व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर चुका हूं और मेरी वेबसाइट पर भी है taxclasses.in। जैसा भी मीटिंग में आज डिसाइड होगा मैं उसी हिसाब से वीडियो लेक्चर्स बाकी 13 केस स्टडीज के लिए ओल्ड रिजीम में या नए रिजीम में या दोनों रिजीम में वैसे ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। एग्जाम में जरूर आप एक ही रिजीम पूछें ओल्ड या न्यू, लेकिन ओल्ड पूछते हैं तो उसमें बच्चे की नॉलेज और टेस्ट हो जाती है विद रिगार्ड टू डायरेक्शंस अंडर चैप्टर 6 से और सैलरी हेड में जो एग्जेम्प्टेड अलाउंस वाली बात, चाहे वो लीव टू कंसेशन हो या सेक्शन 10 14 के अलाउंसेस। थैंक यू वेरी मच।